अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो चीज़ देखेंगे वो है कि PHP एंड MySQL के अंदर हम जो बेसिक जो हमारा काम होता है, जिस चीज़ के लिए हम बेसिकली PHP को यूज़ करते हैं, वो ये है कि हम कोई एक वेब एप्लीकेशन उसके थ्रू जनरेट कर सकें। आज हम देखेंगे कि हम कोई भी वेब एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं PHP एंड MySQL को यूज़ करते हुए। आज जो चीज़ें हम देखेंगे उसमें सबसे पहले है हमारे पास सेशन। सेशन बेसिकली क्या होता है कि ये एक अरे होती है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट के अंदर, मतलब वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फेसबुक को हम जब लॉगिन करते हैं तो फेसबुक को किस तरह से पता चलता है कि हमने लॉगिन किया है। हमारा ही डाटा उसने हमें शो कराना है। और जब हम लॉग आउट कर देते हैं तो किस तरह से फेसबुक का जो हमारे पास होम पेज हमारे सामने शो होना शुरू हो जाता है जब हम उसको दोबारा ओपन करते हैं। तो इस तरह को किस तरह से मैनेज करते हैं, उसके पीछे कौन सी लॉजिक लगी होती है और टेक्निक होती है, तो ये सेशन पे बेस करती है कि जैसे ही यूज़र लॉग इन करता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो कि सेम हो जाती है हमारे पास, हमारे ब्राउज़र पे सेव हो जाती है बहुत दफ़ा, और उसी की बेस पर सेशन चलता है। और जब तक वो उस वक्त तक चलता है जब तक हम लॉग आउट नहीं कर देते। सेशन को हम डिटेल से देखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट पेजेस क्रिएट करेंगे जिनमें हम रिकॉर्ड्स देखेंगे किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा होगा हमारे पास कि उसी रिकॉर्ड को हम जो हमारे पास मौजूद है हम उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स को हम शो कराएंगे, यानी सेलेक्ट की क्वेरी को यूज़ करते हैं हम इसको शो कराएंगे, और फिर हम उसको एनलिस्ट करेंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हम उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये सब पेजेस भी हम आज क्रिएट करेंगे और उनके साथ एक लॉगिन का भी एक पेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेशन से। अब हम अपनी www डायरेक्टरी खोलेंगे और वहाँ पर जाकर हम आज का देखेंगे कि हमारे पास आज हमारा 12th लेक्चर है, और हम उसी हिसाब से हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे लेक्चर 12। लेक्चर 12 में हम देखेंगे कि हमने लेक्चर 12 के नाम से हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमने एक नई फाइल बना ली है index.php के नाम से। हमने एक नई फाइल बना ली है। डेटाबेस हम अपना वही यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, जस्ट हम उसमें एक चीज़ ऐड कर देंगे जो कि हमारे पास पासवर्ड होगा। तो हमारा डेटाबेस, हम अपना डेटाबेस ओपन करते हैं। ये हमारा demo_db और demo_user, ये हम दो हमारे यहाँ पे यूज होंगे। हम किसी भी वैल्यू को ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसा कि हमारे पास जहाँ ये डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, आईडी, नेम, ईमेल। अब जबकि हमने देखना है कि हमने सेशन को भी देखना है, तो हमने देखना है कि लॉगिन कैसे करना है और सेशन को मेंटेन कैसे करना है, और इसलिए हमारे पास पासवर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस चीज़ को यहाँ से ऐड करेंगे, एड वन कॉलम आफ्टर, हम यहाँ पे ईमेल आईडी के नाम से रख लेते हैं। कॉलम का नेम देखेंगे हमारे पास क्या होगा। हम यहाँ पे इसकी टेक्स्ट टाइप सेव करेंगे और इसकी लेंथ सेव कराएंगे जो हमारे पास होगी 255। अब हम इसको सेव कर लेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जो कि है पासवर्ड। लेक्चर 12, और यहाँ पे हमारे पास ये फिलहाल ब्लैंक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट कर लेंगे। ये हमने PHP का पेज क्रिएट कर लिया।
और हम इसको नाम दे देंगे हमारे पास साइन अप का। ये जो न्यू एंट्री है हमारी कि हमने कोई भी चीज ऐड कर रहे हैं यहाँ पे यूजर की, तो वो भी साइन अप की तरह का ही होगा कि हम यूजर जो भी हम न्यू ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली साइन अप ही हो रहा होता है। यहाँ पे हम फॉर्म क्रिएट कर लेंगे, नेम हम इसका रख लेंगे साइन अप फॉर्म, मेथड हम इसका पोस्ट रख लेंगे क्योंकि हमने इसमें पासवर्ड भी ट्रांसफर कराना है तो पोस्ट ही रखेंगे हम इसका। हम इसका एक्शन यहां पे करा लेंगे, लेबल्स हम देखेंगे हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए है। सबसे पहले हमें चाहिए है नेम, उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास टाइप क्या होगी जो कि होगी टेक्स्ट, उसके बाद नेम हमारे पास होगा इक्वल टू नेम, और इसी को हम कर लेंगे कॉपी क्योंकि हमारे जो फर्दर फील्ड्स होंगी उनमें हम यूज करेंगे इसको। अभी हम यहाँ पे इसको सबको चेंज कर देंगे, ईमेल लिख देंगे और टाइप में भी ईमेल लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिटी, उसके बाद हम देखेंगे हम एज लिखेंगे, और सबसे एंड पे हमारे पास आ जाएगा जेंडर। हम यहाँ इनपुट की टाइप देंगे जो हमें चाहिए होगी रेडियो, हम नेम में भी जेंडर लिखेंगे और इसकी वैल्यूज देखें जो कि हमारे पास होंगी मेल एंड फीमेल। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है फीमेल, हम यहाँ पे वैल्यूज को चेंज करेंगे और हम इसको सेव कर लेंगे। हम इसको सेव हमारे लेक्चर 12th में कर लेंगे जो हमने, यहाँ पे हम इसको सेव कर लेंगे साइन अप के नाम से, हम इसको अपनी WW डायरेक्टरी में सेव करा देंगे। और हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास हमारे फॉर्म के अंदर वो है नेम इज इक्वल टू साइन अप एंड वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप। हमारे पास जो वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होंगी पेज के ऊपर HTML में, वो हमारे पास ये वैल्यूज होंगी। अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे और उसके लिए हम जाएंगे साइन अप के साइन अप डॉट PHP में।
अब हमारे पास क्या है कि हम अपने इंडेक्स पेज पे ही जाकर इसको रीलोड करेंगे। अब हमारे पास जो हमारा इंडेक्स पेज है वहां पे हम जाके इसको ओपन करेंगे और यहीं पर एक लिंक क्रिएट कर लेंगे। signup.php। यहां पे हम जब पेज को वापस जाके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमें शो करा रहा है साइन अप। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। इस लिंक का जो भी डाटा है, जब ये फॉर्म हम सबमिट करा देंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास कि बेसिकली ये होना चाहिए कि ये जो डाटा है हमारे, ये डेटाबेस के अंदर सेव हो जाना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, हमें डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स के अंदर ये हमारे डेटाबेस के अंदर ये सेव होना चाहिए। अब हम अपने साइनअप पेज के ऊपर जाएंगे। हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम अपना एक डेटाबेस कनेक्शन बना लेंगे, ताकि हमें बार बार हर पेज के ऊपर जाकर उसको दोबारा से कनेक्शन ना बनाना पड़े। डेटाबेस कनेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं, हम डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू माई SQLi को यूज करते हैं। हम एक नया कनेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हम एक नया कनेक्शन बना लेंगे। डॉलर कनेक्शन इज इक्वल टू माई SQLi कनेक्शन कनेक्शन। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला है वो हमारा सर्वर है, जो कि है हमारे पास लोकल होस्ट। और हमारे पास डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, जिनमें हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा रूट, और हमारे पास जो पासवर्ड होगा वो हमारे पास एम्प्टी होगा। उसके बाद हमारा डेटाबेस जो है वो है demo_db। ये हमारे पास एक कनेक्शन बन गया। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये कनेक्शन सक्सेसफुल है या इसमें कोई एरर आ रहा है। उसके लिए हमें MySQLi_connect_error ये फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन कुछ चीज रिटर्न हमें कर रहा होगा तो इसका मतलब है कि हमारे कनेक्शन में कोई एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना एरर डिस्प्ले करवा देंगे, कनेक्शन फेल्ड। और उसकी रीजन क्या होगी हमारे पास कनेक्शन फेल होने की, वो हमारे पास आ रही होगी MySQLi_connect_error के फंक्शन में। और उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे कोड को, और अगर हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसी जो हमारे पास कोड है हम इसको इको करा देंगे। कनेक्शन ओके। इसको अब हम अपनी www डायरेक्टरी में सेव कर देंगे, हम इसको DB कनेक्शन के नाम से सेव कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास आपको शो हो रहा होगा, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कनेक्शन ओके। इसका मतलब है कि हमारा जो डेटाबेस है वो उसका कनेक्शन ओके है। और अब हमें क्या करना है कि हमारे पास इंडेक्स का पेज है उसके अंदर हमने सिंपली एक हमने इसमें PHP कनेक्शन की फाइल को हमने
उसमें इंक्लूड कर देना है। हमने हम इसको रीयूजेबिलिटी भी कह सकते हैं। एक ही कोड यहाँ पे हमने लिखा है और इसको मल्टीपल जगहों पर हम अब हम यूज कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने जैसे ही इसको यहाँ पे साइन अप का पेज रिफ्रेश किया है तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन ओके का हमें नजर आ रहा है और यहाँ पे इको हो रहा है उसका मैसेज। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कनेक्शन इको को यहाँ पे कमेंट कर देंगे। अब हम यहाँ पे दोबारा आएंगे अपने साइन अप फॉर्म पर। जब हम साइन अप हमारा जो यूजर है वो साइन अप करेगा और जो डाटा हमारे पास आएगा उसको हमने फर्दर उसमें हमने क्या काम करना है, सबसे पहले तो हमने ये चेक करना है कि फॉर्म जो है वो पोस्ट हो, तभी हमारा जो कोड लिखने जा रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हमारे पास जो कोड हमारा जो कोड है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास जो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का जो साइन है वो हमारे पास कोई वैल्यू शो करा रहा है या नया फॉर्म हमारे पास सबमिट हो रहा है। अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो यहाँ पर हम उस सारे के सारे फॉर्म को जो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं उसको सेव कर लेंगे, उनको हम वेरिएबल्स के अंदर सेव करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेम डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, इसको हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कोई और चीज तो नहीं रह गई। यहाँ पे हम सबकी नेम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ईमेल, उसके बाद हम पासवर्ड चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम सिटी चेंज करेंगे। उसके बाद हम जेंडर को चेंज कर देंगे। और सबसे एंड पे हमारे पास आ गया है एज, इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर पोस्ट की अरे को हम प्रिंट करा लेंगे। हम कंफर्म करेंगे कि हमारे पास डेटा जो है वो आ रहा है। उसके बाद हम अपने साइन अप के फॉर्म पर जाएंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हम अपना नेम एंटर करेंगे, देन ईमेल एंटर करेंगे। उसके बाद हमारी मर्जी हम कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं। उसके बाद हम अपना सिटी एंटर करेंगे, हम उसके बाद एज 32 एंटर करेंगे और उसके बाद हम अपनी जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद हम इसको साइन अप कर देंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पूरी पोस्ट की अरे आ रही है जो कि हमारे पास पूरा डाटा आ रहा है। अगर हम इसको इंसर्ट कराना चाह रहे हैं अपनी डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर उसके अंदर एसेस हो सकती है इसकी। तो हम क्या करेंगे कि हम यूजर का जो हमारे पास डाटा होगा उसको सेव नहीं करा सकते, लेकिन हमारे पास सिर्फ पासवर्ड ऐसा होता है जिसको हम सेव नहीं करा सकते। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट इंटरेक्शन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे MD5। ये PHP का एक फंक्शन है जिसमें हम कुछ भी स्टोर कर दें तो वो हमारे पास इंक्रिप्ट हो जाती है। और अगर हम यहाँ पे पासवर्ड को एंटर कराएं
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो पासवर्ड आ रहा है, हमने तो एंटर किया था 1 2 3 4 5 6, लेकिन वो कुछ इस तरह से कोड बन गया है हमारे पास। ये 32 करेक्टर्स का एक कोड है, और जो कि हम अपना अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर लेते हैं। एज इट इज़ जो पासवर्ड है वो हम सेव नहीं करेंगे, बल्कि MD5 हैश को यूज़ करते हुए हम अपना एक 32 करेक्टर्स का एक पासवर्ड सेव कराएंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपनी इंसर्ट की क्योरी की तरफ। हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यहाँ पे हम अपनी क्योरी लिख देंगे, इंसर्ट एंटर डेमो अंडरस्कोर यूजर, और यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। हम सिंगल कोर्स के अंदर अपनी वैल्यूज को लिखेंगे कॉमा सेपरेटेड। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी आईडी जो है वो यहाँ पे हम यूज करेंगे, उसको यहाँ पे हम राइट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नेम, उसके बाद ईमेल, पासवर्ड। इस तरह यूज करते करते हम अपनी सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख देंगे। ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। उसके बाद यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, यहाँ पे हम डॉलर ईमेल, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड के बाद हम लिखेंगे डॉलर सिटी, और सबसे एंड पे हम लिख देंगे डॉलर एज। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारी फाइनल क्योरी क्या होगी, तो हम इसको इको करा सकते हैं। इको करा के हम सबसे पहले एक दफा चेक कर लेते हैं कि हमारी जो क्योरी है वो हमारे पास क्या बन रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से देख सकते हैं, इंसर्ट इनटू डेमो यूजर नेम ईमेल, हमने जो भी हमारे पास वैल्यूज थी और हमारे पास जो वैल्यूज आ रही हैं उनमें हमारे पास आ रहा है हमारा जो डेटा था, आलिया, जीमेल, पासवर्ड, उसके बाद सिटी, जेंडर, और सबसे एंड में हमारे पास एज आ रही है। अब हमने क्या करना है कि हमने माई एस क्यू एल आई क्वेरी को फंक्शन को यूज करते हुए अपने इस क्वेरी को रन कराना है। इसके बाद हम सबसे पहले ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा जो रो इंसर्ट है हुई है वो एक्चुअली हुई है कि नहीं हुई, तो हम सबसे पहले यूज़ करेंगे माय एसक्यूएल इंसर्ट। हम आईडी का एक हमारे पास एक फंक्शन होता है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। हमारे पास माय एसक्यूएल है इंसर्ट क्वेरी का जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हम यूज़ करेंगे कि हम उस हमारे पास जो आईडी होती है वो रिटर्न कर देते हैं। इस क्वेरी के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है वो ये होता है कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन, वो हमारे पास डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, और दूसरा हमारे पास आर्ग्यूमेंट होता है वो हमारे पास क्वेरी होता है। उसके बाद हम सेव करेंगे और अपना फॉर्म सबमिट करा देंगे, तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये रिटर्न हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डेटाबेस के अंदर यहाँ पे ये
रो सेव हो चुकी हैं। हम जितनी दफा भी ये फॉर्म सबमिट कराएंगे, यहाँ पे हमारे पास न्यू आईडी जनरेट होके आ जाएगी। यहाँ पे ये शो हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम ये हमारे पास इंसर्ट हो चुका है, यानी कि हमारा साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम बनाते हैं लॉग इन करने का फंक्शन। लॉग इन के पेज के लिए भी हमारे पास जो लॉग इन पेज है उसका एक लिंक बना देंगे, href इज इक्वल टू लॉग इन डॉट पी एच पी के नाम से हम अपना एक लिंक बनाएंगे यहाँ पे। ये पेज हमने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन आ गई। अब हमने पेज क्रिएट नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे हमारे पास 404 का एरर आ रहा है कि नोट फाउंड। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारे पास होगी लॉगिन की फाइल। इसको हम यहाँ पे हम अपने पास www डायरेक्टरी में सेव कर लेंगे लॉगिन के नाम से। जब हमने इसको सेव किया और रिफ्रेश किया तो हम देख लेंगे कि यहाँ पे नॉट फाउंड का जो एरर आ था वो खत्म हो गया, ये ब्लैंक है। अब हमने लॉगिन के पेज पे बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे हम एक्शन करा लेंगे, यहाँ पे हम मेथड यूज करेंगे जिसमें हम पोस्ट लिख लेंगे। हम अपनी एक ईमेल आईडी यूज करेंगे। नेम इज इक्वल टू ईमेल। और जो दूसरी चीज हमें चाहिए है वो है पासवर्ड। इनपुट टाइप होगी हमारे पास सबमिट, उसके बाद हम लिखेंगे लॉगिन, वैल्यूज हमारे पास होंगी लॉगिन, और ये हमारा फॉर्म बन गया यहाँ पे। और ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हमने यहाँ पे हम पीएचपी का स्क्रिप्ट लिख देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर लॉग इन, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि डॉलर ईमेल इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट ईमेल डॉलर पासवर्ड इक्वल्स टू MD5 डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट का हम यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देंगे। ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे लगाएंगे सेलेक्ट की क्वेरी कि क्या हमने डेटाबेस के अंदर भी ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मिलता है जिसको जिसमें हमने ईमेल ये रखा हो और पासवर्ड हो। उसके लिए हमें सेलेक्ट की क्वेरी लिखनी होगी।
डॉलर लॉग इन क्वेरी इज इक्वल टू सेलेक्ट डेमो अंडरस्कोर यूजर वेयर ईमेल इक्वल्स टू यहां पे हम लिखेंगे डॉलर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल्स टू डॉलर पासवर्ड। अब हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम यूज करेंगे माई एस क्यू एल आई क्वेरी। हमारे पास डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले है कनेक्शन का आर्ग्यूमेंट और उसके बाद हम यूज करेंगे लॉग इन क्वेरी। इसको हमने चेक करना होगा कि इसमें हमें कोई रिजल्ट दे भी रहा है या नहीं। इफ डॉलर रिजल्ट इक्वल्स टू यहां से हम एक कॉलम खत्म कर देंगे। अगर कोई रिजल्ट हमारे पास आ रहा है तो क्या करना है, यहां पे हम यूज करेंगे यूजर इक्वल्स टू माई एस क्यू एल आई फेच रो का फंक्शन यूज करेंगे और इसमें हमें जो डॉलर रिजल्ट है ये पॉइंटर पास करना पड़ेगा और फिर हम यहां पर इसको प्रिंट करा लेंगे। डॉलर यूजर की अरे में हमारे पास जो आ रहा होगा अब हम यहां पर अपना ईमेल एंटर करेंगे। हमारे पास ईमेल होगा alia@gmail.com और हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे 123456। जब हमने लॉग इन किया तो हमारे पास एरर आ रहा है कि हमारे यहाँ पे हमारा डेटाबेस के अंदर की जो हमारे पास जो फाइल थी उसमें हमने इसको सेव नहीं किया, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। हम इसको इंक्लूड करेंगे और इसको जब हम सेव कर लेंगे और वहां जाकर पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप हमारे पास देखिए हमारे पास एक रो आ गई है। फेच रो का फंक्शन यही करता है बेसिकली कि सिर्फ एक रो को हमारे पास लेकर आता है। तो इस तरह से हमारे पास जो यूजर है वो इस तरह से हमें शो होने लग गया है। इस वजह से हम इसका सेशन मेंटेन करेंगे और सेशन मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन कॉल कराना पड़ता है। हम डीबी कनेक्शन की फाइल में ही रख लेंगे इसको क्योंकि ये फाइल ही हमारे पास बाद में यूज होगी और हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे सेशन को स्टार्ट करने के लिए। अगर हम यहाँ पे यूजर की जो हमारे पास अरे मिल गई है हमें तो हम सेशन हम यहाँ पे सेशन को सेट करेंगे। सेशन की अरे होती है जो भी नॉर्मल अरे की तरह बिहेव करती है। हम इस अरे को यूजर्स नेम इसके यूजर पे हम हमारे पास जो डॉलर यूजर की अरे आ रही है वो पूरी की पूरी हम यहाँ पे इस फाइल में इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये यहाँ पे हमने सेव करा दी है और जैसे ही हमारे पास ये लॉगिन होगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हम इसे
यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं, यहाँ पे हम इस सब यूजर्स का डाटा हमारे पास शो हो रहा होता है। तो अभी हमने ये देखना है कि हमारे पास सेशन में अरे आ चुकी होगी और एक न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेंगे और इसको इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको शो यूजर्स के नाम से सेव कर लेंगे अपनी WW डायरेक्टरी के अंदर। और हमारे पास जो हमारा इंडेक्स पेज है, हम यहाँ पर जरा सेशन को यूज करेंगे अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इको ना कराना पड़े। अगर हम इसको इंक्लूड करा लेंगे यहाँ पे, हम DB को con.php की फाइल को यहाँ पे हम इंक्लूड करा लेंगे, यहाँ पे हमारा सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और डेटाबेस भी वर्क करना शुरू हो जाएगी, जो कि हम यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे इस सेशन को इंक्लूड करा लेते हैं। नेक्स्ट, अब हमने ये करना है कि हम इसको चेक कर लेते हैं कि इफ डॉलर अंडरस्कोर सेशन यहां पे हम इसके यूजर्स लिख देंगे। यहाँ पे हम नेम लिख देंगे, अगर वहां पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो हम उस वैल्यू को शो कराएंगे। यहाँ हम ऑल यूजर्स डॉट पी एच पी का लिंक बना लेते हैं। अब हम जाएंगे अपने इंडेक्स पेज के ऊपर, इस पेज को अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। शायद ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम इसको सबसे पहले चेक कर लेंगे। अब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। इस सेशन की अरे को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे। वहां पर हम यूजर्स के पास जाके देखेंगे कि हमें यहाँ पे 0 को सेव किया था तो यहाँ पे जस्ट आईडी आ रही है। अब हम यहाँ पे अपनी आईडी को सेव करा लेंगे। अब हम अपने लॉगिन के पेज के ऊपर जाएंगे, फिर से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हम अपना ईमेल एंटर करेंगे और उसके बाद हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर से हम अपने होम पेज के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास अरे आ रही है, 0 0 पर आईडी पड़ा हुआ है, हमारे पास इंडेक्स की अरे है, इस वजह से हमें यहाँ पर भी हमें अपनी परमिशन को 0 सेट करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास वहां पर 0 पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है। तो अब हम यहाँ पे शो हो रहा है, अगर हम सेशन को शिफ्ट नहीं कराते तो एल्स में हम उसे साइन अप और हम यहाँ पे लॉगिन का भी ऑप्शन शो करा देंगे।
यहाँ पर हमारे पास ये लिंक शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने हमने शो ऑल यूजर्स इनका टैक्स एंटर नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारा लिंक शो नहीं हो रहा था। यहाँ पे अब हम वापस जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा लिंक शो होना शुरू हो गया है। तो ये हम देख सकते हैं शो ऑल यूजर्स, और यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा, यहाँ पे हम लॉग आउट का भी लिंक बना देते हैं, लॉग आउट डॉट पी एच पी। यहाँ पे हमें लॉग आउट का एक न्यू पेज क्रिएट करना होगा। यहाँ पर भी सेम, हमें सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज को इंक्लूड कराएंगे, dbcon डॉट पी एच पी, और उसके बाद हम सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे हमें सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे पास ये सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन क्या करता है कि हमारे पास जो सेशन होता है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि अनसेट कर देता है हमारे सेशन को। और यहाँ पे हमारी लॉगआउट की फाइल बन गई है एक। यहाँ पे हम गो टू होम पेज का लिंक भी डाल देंगे। जब हमने इसको रिफ्रेश किया, इस अरे को हम इस अरे को कमेंट कर देंगे। यहाँ पे जब हमने इसको दोबारा से रिफ्रेश किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने इसको गो टू होम पेज का हमारे पास लिंक शो होना शुरू हो गया है। लेक्चर 12, हम इसको दोबारा से होम पेज पर आ गए हैं और हमारा जो सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो हम दोबारा से लॉग इन करेंगे, ईमेल में जाके हम अपना ईमेल एंटर करेंगे जो कि हमारे पास आ लिया। अब हम हमारे पास पासवर्ड है 1 2 3 4 5। होम पेज पर जाएंगे। अब हमारे पास जो डिफरेंट लिंक्स थे वो लॉग आउट का लिंक भी शो होना शुरू हो गया। जैसे ही हम लॉग आउट पर क्लिक करेंगे तो हम दोबारा से होम पेज पर चले जाएंगे और दोबारा से साइन अप नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, हमने शो कराने हैं अपने तमाम के तमाम यूजर्स। उसके लिए हमें शो यूजर्स का जो हमारे पास पेज है हम उसके ऊपर जाएंगे। और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपना dbcon.php, और उसके बाद हमें एक क्वेरी लगानी होगी, हमें सेलेक्ट की क्वेरी लगानी होगी इक्वल्स टू सेलेक्ट फॉर्म डेमो अंडरस्कोर यूजर। जो हमारे पास जितने भी यूजर्स हैं वो हमने सबके सब सेलेक्ट कर लिए हैं। इफ
डॉलर रिजल्ट इक्वल्स माई एस क्यू एल आई क्वेरी डॉलर कनेक्शन अगर ये हमारे पास यहाँ पे है तो हम अपनी वाइल लूप को यूज करते हुए यूजर्स इक्वल्स माई एस क्यू एल आई फैच और हम यहाँ पे डॉलर रिजल्ट का पॉइंटर पास कराएंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे हम टेबल की फॉर्म में सबके सब जो हमारे पास यूजर्स हैं वो शो करा देंगे। हमारे पास आईडी है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड हमने शो नहीं कराना। और यहाँ पे हम दो चीजें हम अपनी और ऐड कर लेंगे जो कि है हमारे पास अपडेट और डिलीट का ऑप्शन। ये दो कॉलम्स जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगे यहां पर। यहाँ पर अब हम अपने पीएचपी इको कराएंगे डॉलर अब हम यहाँ पे सबसे पहले आईडी लिखेंगे, उसके बाद हम नेम एंटर करेंगे, उसके बाद ईमेल एंटर करेंगे, उसके बाद हम अपना सिटी लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जेंडर, उसके बाद हमने जो अपने दो ऑप्शन ऐड किए थे सबसे पहले हम एज, सबसे एंड में हम एज लिखेंगे। हम यहाँ पे अपने दो ऑप्शन जो हमने ऐड किए थे बीच में वो है अपडेट। सबसे पहले हम एक एंकर बना लेते हैं जो हमें यहाँ पर लेकर जाएगा अपडेट और पीएचपी आईडी इक्वल्स। यहाँ पे हम अपने यूजर का आईडी डिस्प्ले करा देंगे। यहाँ पे हम अपडेट लिख देंगे और यहाँ पर हम डिलीट लिखेंगे।
और इसको जब हम अपने ब्राउजर पर जाकर देखेंगे शो ऑल यूजर्स के पेज पर, हम आज उसको जाकर देखेंगे शो यूजर्स डॉट पी एच पी के नाम से हमने जो पेज बनाया था, हम वहां जाके इसको देखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे शो यूजर्स, यहाँ पे हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारा जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पे हमारे पास ये 3 रोज पड़ी हुई हैं। तो यही 3 रोज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शो हो रही हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि ये सारी की सारी सेम है, और हम देखेंगे हम इसको अपडेट के थ्रू अपडेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे हम इसके हमारे पास सही से लिंक जनरेट हो गए हैं। तो हम यहाँ पे लिंक सही बन रहा है और ये काम भी करेगा। अब हम देखेंगे हमने अपडेट डॉट पी एच पी का हमने एक पेज बनाना है। अपडेट यूजर इन्फो, यहां से हम अपडेट डॉट पी एच पी के नाम से हम इसको सेव कर देंगे। यहां पे हमारे पास डीबी कॉन डॉट पी एच पी, और इसके बाद हम हमारी जो इंसर्ट की क्वेरी है उसी को यहाँ पर यूज कर लेंगे। हम माइनर सी ऑल्टरेशन कर लेंगे उसके। तो ये हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास ये अपडेट की क्वेरी बन गई है। अपडेट डेमो अंडर स्कोर यूजर, हम ये यहाँ पे सेट लिख देंगे। यहाँ पे नेम इक्वल्स टू ईमेल इक्वल्स, हम पासवर्ड यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पासवर्ड जो है हमारे यूजर खुद ही चेंज कर सकते हैं, इसी वजह से हम इसको डिलीट कर देंगे। अब हम सिटी लिखेंगे, सिटी इक्वल्स जेंडर इक्वल्स, और यहाँ पे एंड में हम लिखेंगे एज इक्वल्स, और यहाँ पे हम लगा देंगे, हम यहाँ पे एक और चीज लगा देंगे वेयर की कंडीशन कि किस यूजर का जो डाटा है वो हमने चेंज करना है, जो कि है आईडी इक्वल्स। यहां पर हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर, यहाँ पे आईडी रखा है हमने उसी यूजर का, जो आईडी आ रहा होगा उसी की इंफॉर्मेशन हमने जस्ट चेंज करनी होगी। उसके बाद अब हम इसको चेंज कर देंगे, माई एसक्यूएल आई अफेक्टेड रोज। ये तो हमारा सारा काम हो गया अपडेट का, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना होगा, उस यूजर का जो डाटा है हमारे पास उस रो को शो कराना है हमने फॉर्म के अंदर।
हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर यूजर आईडी इक्वल्स गेट आईडी। सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जो भी आईडी हमारे पास आ रहा है उस आईडी का जो हमारे पास डेटा है हमने उसे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट की क्वेरी लगाई थी तो हम इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे। अब यहां पे हम इसको आईडी की बेस पे लिखेंगे आईडी इक्वल्स डॉलर यूजर आईडी। अगर यहां पे हम देखेंगे हमारे पास एक रो आ जाती है तो हम इसका जो हमारे पास डाटा होगा हम उस डाटा को डॉलर यूजर में सेव कर लेंगे और उस डाटा को हमने शो कराना है अपने फॉर्म के अंदर। कौन सा फॉर्म? ये वाला साइन अप का फॉर्म। नेम में अब हम यहां पर वैल्यू भी लिखेंगे पीएचपी इको डॉलर यूजर। यहाँ पे हमारे पास नेम आ रहा है जीरो पर तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। इसको जरा आसान बनाने के लिए हम एसोसिएटिव अरे सर्च यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे, उसमें हम लिखेंगे ईमेल पासवर्ड क्योंकि हमने चेंज नहीं कराना तो हम पासवर्ड को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सिटी उसके बाद हमारे पास आ गई है एज। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा ट्रिकी होना पड़ेगा कि अगर मेल है तो पीएचपी इफ डॉलर यूजर। हमारे पास यहाँ पे जो जेंडर होगी वो इक्वल्स होगी इक्वल्स इक्वल्स मेल है। तो यहां पे हम अपना चेक जो है वो शो करा देंगे यानी कि ये रेडियो बटन जो है वो हमारे पास सिलेक्टेड है। और अगर हमारे पास फीमेल सेलेक्टेड है तो हमारे पास जो फीमेल वाला रेडियो बटन है वो हम सेलेक्टेड है वो हमारे पास हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये फॉर्म हमारे पास सबमिट होता है तो यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट अपडेट तो ये क्वेरी हमारे पास रन हो जाएगी।
अब हमारा जो अपडेट का जो फॉर्म है उसे देखते हैं जाके। अब हमने इसको यहाँ पे लॉग इन किया, हमने यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर किया, alia@gmail.com। अब हमने अपना पासवर्ड एंटर किया, हमारे होम पेज पर गए, यहाँ पे हमने देखा शो ऑल यूजर्स और अपडेट के पेज पर गए। हमारे पास यहाँ कुछ एरर्स आ रहे हैं जिसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस चीज को देखेंगे, हमने इसको चेंज किया तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। यूजर का जो हमारे पास वेरिएबल है वो नहीं मिल पा रहा। यहाँ पे हम प्रिंट आर करेंगे कि हमारे पास हम डॉलर यूजर को कि हमारे पास कौन सा डेटा जो है वो रिटर्न हो रहा है। यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। हम यहाँ पे इसको इको डॉलर सेलेक्ट क्वेरी, हम अब अपनी क्वेरी को चेक कर लेते हैं। अब हमने सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर यूजर, इसमें हमारे पास जो डेमो है हमारे पास वो हमारे कैपिटल में लिखा हुआ है। यहां से हम इन सब चीजों को, अगर हमारे पास कोई भी परेशानी हो जाती है तो हम उसको डीबग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्री पॉपुलेटेड हमारे पास पूरा डाटा आ गया है। जो भी यूजर था हमारे पास उसका डाटा यहाँ पे हमारे पास प्री पॉपुलेटेड आ रहा है। ये इस वक्त हमारे पास जो फर्स्ट यूजर है उसका डेटा है। अगर हम इसमें सिटी चेंज करके देखते हैं, हम लाहौर की जगह मुल्तान कर देते हैं सिटी को और अपडेट कर देते हैं उसके बाद अपने फॉर्म को, तो हमारे पास इनडिफाइंड वेरिएबल में यहां पर जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास पासवर्ड हमारे पास नहीं यूज होगा क्योंकि पासवर्ड के अलावा सब कुछ यूज होगा यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा है कि हमारे पास जो हमारी फर्स्ट रो है उस क्वेरी को रन करने की वजह से हमारे पास फर्स्ट रो अफेक्ट हुई है। और यहाँ पर हम देखेंगे तो जो हम अपनी आईडी का सिटी चेंज किया था वो मुल्तान था। अब हम इसको अगर दोबारा कोई और इसकी इसी फॉर्म के अंदर क्वेरीज चेंज करके देखते हैं, तो हम अगर हम इसकी एज को चेंज करके 20 कर देते हैं, इसका नेम भी चेंज कर देते हैं, उसका ईमेल आईडी और उसकी जेंडर, और उसके बाद अपडेट करेंगे तो हम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट रो अफेक्ट हुई है और यहाँ पर देखें तो हमारे पास सारे का सारा जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। अब जो लास्ट पर हमने जो चीज करनी है वो देखनी है कि किस तरह से हमारे पास जो यूजर्स आ रहे हैं उन यूजर्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें delete.php का एक पेज बनाना पड़ेगा और वहां पर हमें डिलीट की क्वेरी को रन करना पड़ेगा।
हम एक न्यू पेज बना लेते हैं। हम यहाँ पे डिलीट यूजर्स के नाम से एक न्यू पेज बना लेते हैं, जिसको सेव कर लेंगे, डिलीट यूजर्स डॉट पीएचपी। यही जो अपडेट की क्वेरी है, इसी को हम अगर हम इसी क्वेरी को अगर हम कॉपी कर लें और अपने इस पेज के ऊपर जाकर हम इसको पेस्ट कर दें और इसी में ऑल्टरेशन करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम यहाँ पर इंक्लूड कराना होगा हमारे डेटाबेस कनेक्शन की फाइल को। यहाँ पे हम लिखेंगे db.con.php और यहाँ पे अब हम इस क्वेरी को चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे डिलीट फ्रॉम डेमो अंडरस्कोर अंडरस्कोर यूजर वेयर आईडी, यूजर जो आईडी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास आईडी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी इक्वल्स टू डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी। यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स के नेम चेंज कर लेंगे डिलीट, और माई एसक्यूएल क्वेरी को एक वेरिएबल पास करा देंगे। यहाँ पे हम अपना सक्सेस मैसेज भी शो करा देंगे। अगर हम यहाँ पर यूजर इन यूजर्स के अलावा किसी चीज को डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट यूजर है तो यहां पर हम यूआरएल चेंज कर देंगे, डिलीट यूजर डॉट पीएचपी। यूजर 11 जो है, जो हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम इस डिलीटेड को, ये देखिए, वन रो डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर आईडी 11 डिलीटेड। यहाँ पे अगर हम अपने देखें, अगर तो हमारे पास 11th रो जो थी, हमारे पास 11th आईडी थी, वो डिलीट हो चुकी है। तो हम लोगों ने सेशन भी देखा, हमने इंसर्ट डिलीट अपडेट और सेलेक्ट ये सब चीजें आज देखी हैं। किसी भी पीएचपी की जो हम एप्लीकेशन है, उसमें बेसिक यही चीजें होती हैं। यहां से हम इसको लॉग आउट कर देंगे और फिर से हमारे पास लॉगिन और साइन अप के ऑप्शन आना शुरू हो गए। यही चीजें हमारे पास होती हैं माइनर अल्टरेशन के साथ, हम हर एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।